पहले एक हैंडपीक की वीडियो बनाई थी तो दोस्तों ने कहा है पूरी डिटेल से वीडियो हमें बताई, तो आज मैं पूरी शुरू से लेके एंड तक डिटेल से आपको वीडियो बताऊंगा। सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ दीन अख्तर, पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर से, और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत डिटेल से होने वाली है, ठीक है। वीडियो काट के नहीं देखनी, वीडियो पूरी देखनी है, हैंड फीड के मुतल्लिक वीडियो है। पहले एक हैंड फीड की वीडियो बनाई थी तो दोस्तों ने कहा है पूरी डिटेल से वीडियो हमें बताई, तो आज मैं पूरी शुरू से लेके एंड तक डिटेल से आपको वीडियो बताऊँगा, ठीक है। तो हमने केटी की फीड यूज़ करता हूँ मैं, आप लोगों ने भी केटी की फीड ही यूज़ करनी है, लो फैट फीड है, ठीक है। वो जितने बर्ड होंगे उस हिसाब से आपने लेनी है। मेरे पास इस टाइम हैंड फीड पे 4 से 5 बर्ड हैं, तो मैं उनके हिसाब से केटी की फीड डालूंगा। नीम गर्म पानी में उसको आपने पूरा 1 मिनट जो है उसको मिक्स करना, ये देखें। गर्म पानी में आपने इसको मिक्स करते जाना है, ठीक है। ये इतना लिक्विड होना चाहिए कि आपकी स्क्रीन में इजीली जो है वो चला जाए, ठीक है, ताकि आपने जब बर्ड को भी खिलाना है, ठीक है, वो खाने वाला सही तरह से उसको खा सके। ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना, ठीक है। मुझे स्पेशल वीडियो बन रही है बिलाल भाई आपके लिए, ज़रा गौर से। अच्छा तो दोस्तों पूरे 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करने के बाद ये फीड हमारी बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब बर्ड्स को इसको खिलाना किस तरह से है, ठीक है, वो भी आपके सामने मैं 3 से 4 बर्ड्स को आपके सामने खिलाऊंगा, एक बर्ड को नहीं खिलाऊंगा। इससे ये होता है कि आपको सही तरह से नज़र ना आए, पता ना चले, ठीक है। 3 से 4 बर्ड्स को आपके सामने खिलाऊंगा ताकि आपको पता चले कि नीडल जो है वो बर्ड्स के मुँह में कितनी भी लेके जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली बर्ड जो होते हैं वो बार टाइम इसको फीड सही तरह से नहीं भी करते, जो जिनको फीड की आदत नहीं होती है, जिनको आप फीड फर्स्ट टाइम करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं स्क्रीन भर के तो बर्ड पकड़ के आपके सामने आपको दिखाता हूँ किस तरह से बर्ड को हम लोग फीड करवाते हैं। माशाल्लाह अल्बानियो ब्लैक है, इस प्लेट का पीस है, ठीक है। ये देखें आपने किस तरह से बर्ड को पकड़ना है इसकी गर्दन को, ठीक है। ये नीडल इसके सामने करनी है। अब इस बेचारे को तो आदत है, इसलिए ये माशाल्लाह पूरी नीडल अंदर स्लिप करेगा, ठीक है। और इस तरह से आपने हल्का हल्का सा इसको फीड करवा देगा। ये माशाल्लाह इसका पोटा चेक करें, ठीक है। 5 cc जो है इस इतने बर्ड को आपने 5 cc फीड करवाएं। ये देखेंगे माशाल्लाह ब्लू फिशरी है जी, ठीक है। तो इसको भी आपने इस तरह से बड़े प्यार से पकड़ना है, ठीक है। ये नीडल इसके इस तरह से हल्की हल्की सी उसके पोटे के अंदर तक करके आपने हल्के ऐसा प्यार से इसको जो है फीड करवाते जाना। ये देखेंगे माशाल्लाह इनका पोटा चेक करें, ठीक है। इनको 5 cc आपने जो है फीड करवानी है। ये ऑलमोस्ट सेल्फ होने वाले पीस हैं, इस वजह से हम लोग इसको 5 cc फीड करवाते हैं, वरना जो बच्चा तकरीबन 20 से 22 दिनों का मैं उठाता हूँ, ठीक है, उसको 4 टाइम फीड करवाता हूँ और 3 cc फीड करवाता हूँ। फिर आस्ता आस्ता 2 टाइम फीड करवाते हैं हम, ठीक है। तो वो हम करवाते हैं जी 4-4 cc, और ये अब जो है 5 cc फीड कर रहे हैं, और ये सिर्फ 1 टाइम फीड कर रहे हैं। ये माशाल्लाह जी चौथा अल्बानियो का पीस है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, 1 से 2 दिनों में ये सेल्फ होने वाला है। इसको भी देखें फीड करने की आदत हुई हुई है, इस वजह से ये फौरन ऐसे नीडल पूरी की पूरी जो है वो अंदर करके पूरी फीड करते हैं। बिलाल भाई उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो फिर आपको मेरे पास विजिट करना पड़ेगा, फिर आपसे मैं खुद फीड करवाऊँगा, ठीक है जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।